छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर चुनावी बिसात बिछने के बाद सियासी जीत हार के समीकरण की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। वहीं प्रदेश के लोकसभा चुनाव में दल बदलुओं का लेकर एक मिथक भी है। दरअसल दल बदलने के बाद यहां से कोई नहीं जीता है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ लोकसभा चुनाव में एक दो मिथक बन गए हैं, जिनकी इस चुनाव में खूब चर्चा हो रही है। पर मिथक तो यही है कि दल बदलने वाला कोई नेता लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सका, चाहे वो कितना बड़ा ही क्यों ना हो। कभी कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता रहे विद्याचरण शुक्ल भी हारे थे। कांग्रेस छोड़कर लोकसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा। 2004 में महासमुंद के इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी हारी थी। 2014 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से चुनावी मैदान में थी करुणा शुक्ला। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के कद्दावर नेता सांसद ताराचंद साहू भी अपवाद नहीं रहे। बीजेपी छोड़कर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच बनाया। 2009 में दुर्ग से लोकसभा चुनाव लड़ा और जनता ने नकार दिया। देखिए, हर एक मिथक को राजनीति के क्षेत्र में तोड़ने का जज्बा यदि किसी को है तो बीजेपी को है। बीजेपी हर एक चुनाव में नित्य नए प्रयोग करती है। आपने देखा कि कभी पिछले चुनावों के अंदर में सभी सिटिंग हमारे बड़े से बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री तक थे, यहां तक कि यदि डिसाइड हुआ पार्टी में कि सबके टिकट बदलना है तो बदला गया। आपने देखा कि इस विधानसभा चुनाव के बाद में नई कमान, नए मुख्यमंत्री, नए मंत्रीगण, बहुत कम मात्रा में पुराने मंत्रीगण, ये सब काम करने की हिम्मत यदि किसी में है तो बीजेपी में है। तो ये आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दल बदल को विशेष एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, एक नया कल्चर की शुरुआत उन लोगों ने जो करी है कि किसी को डरा के धमका के दल बदल करा लेना, उनको प्रलोभन देकर के उच्च पदों का करा लेना और उसके बाद में उनको एक प्रत्याशी के रूप में उतारते हैं, तो कभी भी उसको जनता, हमारी छत्तीसगढ़ की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करती है। और चाहे वो चिंतामणि महाराज जी हों, चाहे अन्य और कोई भी प्रत्याशी हो या किसी पार्टी की बात हो, मैं नहीं कहता कि यही की बातें हों, यदि कोई भाजपा से भी कांग्रेस में आए तो लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं जनरली जो है। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर मिथक टूटा है। छत्तीसगढ़ में चिंतामणि महाराज चुनाव जीत कर ये मिथक तोड़ेंगे, तो कांग्रेस कह रही कि दल बदलुओं को छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करती। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लोकसभा चुनाव में दल बदलुओं की हार के मिथक से चिंतामणि महाराज की चिंता बढ़ गई है। बहरहाल भाजपा का दावा है कि मोदी लहर में सभी लोकसभा सीटें जीतेंगे। अब देखने वाली बात होगी 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ये मिथक बरकरार रहेगा या टूटेगा। कैमरामैन इकराम के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, आईएनएस न्यूज़, रायपुर।